सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए दबाइए बेल आइकन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जानकारी, जानकारी वही जो है आपके लिए सही। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो मैं आपके सामने कुछ न्यूज पेश करने जा रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और जो पुख्ता मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से, तो वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो मैं आज आपके सामने कुछ न्यूज़ पेश करने वाला हूं जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से रिलेटेड है और जो आपसे रिलेटेड है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो तीन चार न्यूज़ मैं आपके लिए लाया हूं। सबसे पहली न्यूज़ है जियो की, क्योंकि जियो ने जब भी आया है मार्केट में कुछ ना कुछ धमाका मचाया है, लेकिन इस बार जियो के साथ कुछ ऐसा धमाका हो गया है जिसकी वजह से उसका डाटा लीक हो गया है। ऐसी न्यूज़, ऐसी अफवाह उड़ रही थी, लेकिन कुछ दिनों जब इंतज़ार करने के बाद मुझे पता चला, पुख्ता जानकारी मिली है और अंबानी जी ने एक प्रेस रिलीज करके भी कहा था कि ये अनऑथोराइज जो भी डाटा जो दिखा रही है साइट, वो अनऑथोराइज है। उनका इस कहने से पता चलता है कि ये कितना बड़ा एक संकट उन पर आया है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि डाटा लीक हुआ था और ये डाटा एक ऐसी साइट ने लीक किया था जो अभी सस्पेंड कर दी गई है। उस साइट पे अगर आप किसी भी फ़ोन नंबर को डालते हैं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसे पूरा नाम या फिर किस जगह का है फ़ोन नंबर, लेकिन वो आधार कार्ड की जानकारी नहीं देता था। तो दोस्तों, आपको आधार कार्ड की जानकारी उसमें नहीं मिलती थी और ये मेरे ख्याल से उसने कुछ एक ऐसे सेक्शन पे अटैक किया होगा जिसमें कुछ ऐसी जानकारी थी जिसमें आधार से रिलेटेड जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अटैक तो हुआ था, जो उसका डाटा जो हुआ था हैक हुआ था, लेकिन आधार से रिलेटेड जानकारी उसमें नहीं दी गई थी। और जो उन्होंने बताया था कि ये सारा जो डाटा है अनऑथेंटिक है, अनऑथराइज है, और उनकी तरफ से ये कहा गया था अंबानी जी की तरफ से कि हम इस बात पर खंडन करते हैं कि इस पर अटैक हुआ, हम पर अटैक हुआ और हैक हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है, उन पर हैक हुआ है, उनकी जो साइट हैक हुई है, उनका जो डाटा थोड़ा सा लीक हुआ है। तो उनको ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई, आप अपनी साइट पे ऐसी सिक्योरिटी और टाइट कर दें जिससे कि आपका जो आपके कंज्यूमर्स का जो इतने उन्होंने आप भरोसे के साथ डाटा दे रखा है वो लीक ना हो। और आप लोगों को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें आपसे कुछ जानकारी कोई मांगे। तो दोस्तों, आपको ये करना है कि आगे से कोई भी अगर आपका आधार नंबर भी देता है, आपका फ़ोन नंबर ही बताता, आपका नाम बताता, एड्रेस बताता, जो भी बताता, आपको उसको कोई दूसरी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई ऐसी जानकारी पूछता है तो याद रखिए दोस्तों, आपको कोई भी अलग जानकारी शेयर नहीं करनी है, ना आपको आपको फिंगरप्रिंट देना है और दूसरी जानकारी तो बिल्कुल नहीं देनी है। तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनको सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि आजकल जो साइबर वर्ल्ड है कुछ ऐसा हो चुका है कि हर आए दिन किसी न किसी की आप देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी जो साइट से वो हैक हो रही है, गवर्नमेंट की साइट हैक हो जाती है। तो ये ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़ अभी फ़िलहाल जियो के साथ नहीं हुई है। और जियो से रिलेटेड एक और न्यूज़ है मेरे पास जो कुछ दिनों पहले आने वाली थी। मुझे ऐसा कुछ रूमर्स का पता चला था कि ये कुछ ऐसा ऑफ़र लाने वाले हैं। ये न्यूज़ मैं आपको 7 जुलाई को दे रहा हूँ, ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं 7 जुलाई का वीडियो है। हो सकता है कि मुझे थोड़ी लेट हो जाए अपडेट और ये इसको एडिट करने में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इसमें लेट हो जाऊँगा। लेकिन आपको एक न्यूज़ ये देनी थी कि भाई, ये कुछ ऐसा ऑफ़र लाने वाले हैं, फिर से कोई धनदनादन जैसा ऑफ़र लाने वाले हैं, जैसे कि कुछ आपको पहले भी ये ला चुके हैं। तो दोस्तों, तैयार रहिए, इनके कुछ नए ऑफ़र आने वाले हैं और जैसे ही इनके ऑफ़र का मुझे पूरी पुख्ता सबूत मिल जाता है, पुख्ता जानकारी मिल जाती है, मैं एक वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करूंगा, आप उसमें डिटेल से देख लीजिए कि क्या उसमें जानकारी है। तो ये थी पहली मेरी न्यूज़ जो जियो से रिलेटेड थी। दूसरी न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एयरटेल से रिलेटेड। तो एयरटेल की एक देखिए, ये एक स्नैपशॉट देखिए। तो इस स्नैपशॉट में ये एक्चुअली मुझे कुछ दिनों पहले मेरे Redmi Note 4 का एक अपडेट आया था, तो मैंने उस अपडेट में देखा कि इन्होंने एयरटेल की वोल्टी सपोर्ट जो इन्होंने करके एक अपडेट दिया है।
तो मुझे कुछ खटका की कुछ गड़बड़ होने वाली है। एयरटेल भी मेरे ख्याल से दोस्तों कुछ धमाका करने वाला है, जैसे कि जियो का वोल्टी सपोर्ट है। वोल्टी सपोर्ट में जैसे आपको पता ही है कि वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाती है, जैसे उन्होंने फ्री कर रखा है वॉइस कॉल और SMS को, तो जैसे इन्होंने अपनी वॉइस क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए ये वोल्टी सपोर्ट लिया है। वैसे भी एयरटेल वोल्टी का जैसे मेरे पास मोबाइल में आया था, वैसे वो अपने अपने टावर में भी इस तरह के अलग अलग जगह पर अपनी वोल्टी का टेस्ट कर रही है। और दोस्तों मेरे ख्याल से हो सकता है कि जल्दी एयरटेल कुछ ऐसा धमाका आपके सामने पेश करने वाले हैं जो हमें लगेगा कि जियो के आगे वो बिल्कुल सुपर साबित हो जाए। लेकिन हम इसका बात का इंतज़ार ही कर सकते हैं दोस्तों की, और आप देखेंगे कि एयरटेल इसको ट्राई भी कर रहा है। तो दोस्तों ये थी दूसरी न्यूज़ एयरटेल के बारे में। अगली न्यूज़ दोस्तों एक फिर से एक अफवाह की तरह सामने आ रही है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था शाओमी का, जो रेडमी नोट 5 आया था, तो रेडमी नोट 5 जो आया था उसकी मैंने जो स्पेसिफिकेशन दी थी उसका फ़ोटो भी दिया था। चूँकि ये फ़ोटो पहले हमें बताया गया था जो टेक्निकल जो साइट्स रहती हैं बड़ी बड़ी, और जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वहाँ से, तो उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन और उसकी फ़ोटो बताई थी, वैसे ही रेडमी नोट 5 का ए वर्जन भी आ गया है। जी हाँ, रेडमी नोट 5 ए। ये वर्जन अभी क्या है कि हमको कुछ पता नहीं, लेकिन वो इस कलर का है जो रेड कलर मैंने पहन रखा है, इस कलर का उसका बॉक्स आया है जिसमें बड़ी अच्छी तरीके से एक फ़ोटो आपको सामने आएगा। तो आपने देखा कि ये रेडमी नोट 5 ए का जो नया पिक्चर रिलीज़ हुआ है, लीक हुआ है, ये अभी अफवाह की तरह ही सामने आ रहा है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में कोई अभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि Redmi Note 5 के बारे में जो इतनी जानकारी बहुत उन्होंने अभी तक लेट कर दी है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये थी मेरी अगली न्यूज़ थी जो Redmi की तरफ से आई थी, Xiaomi की तरफ से। तो हमें इस बात का इंतज़ार करना है कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ आए और सबसे पहले क्या आता है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था ओप्पो और वीवो का, तो मुझे काफ़ी सारे उसके फैंस के मुझे उनका सामना करना पड़ा, उनको गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आपको उनको लिए खुशखबरी है कि उनका एक नया फ़ोन आने वाला है, वीवो की तरफ से V5 आ रहा है, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक ब्लू उन्होंने एक कलर निकाला है कि कितनी एनर्जी है तो देखने वाली बात है। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि ये जो 18,000 के आसपास जो इसका फ़ोन ये बेच रहे हैं, ये फ़ोन एक तरह से आप चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सेल्फी लेने के चक्कर में कितनी जाने गई हैं, अभी एक नदी में कुछ लोग डूबे हैं, अभी तक उनका पता नहीं है। सेल्फी लेने के चक्कर में लोग कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं, कितनी अपनी लोग मर जाते हैं। तो सेल्फी लेने का ऐसा क्या क्रेज़ बना रहे हैं ये लोग, जिससे कि लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये वीवो ओप्पो जो अपने को सेल्फी के एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं, सेल्फी का सेल्फीस्तान किए जा रहे हैं, और जियो ने भी सेल्फीस्तान करी जा रही है, तो सेल्फीस्तान ये दोस्तों कब्रिस्तान बना रहे हैं ये। तो ये न्यूज़ के साथ मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ इस तरह के फ़ोन और इस तरह की जो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसे आप दूर रहें। सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान ना दें, आपके परिवार वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका एक बार ध्यान कीजिए, उनका फ़ोटो आप ज़रूर अपने फ़ोन में रखिए। सेल्फी लेने के पहले आप फ़ोटो देखिए और आप सोचिए कि क्या ये सेल्फी इतनी ज़रूरी इतनी वर्दी है कि भाई आप इसको लें इस कंडीशन पे, अपनी जान की कंडीशन पे। तो दोस्तों ये वीवो की तरफ से आया था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये फ़ोन भी पिछली तरह से हर बार की तरह मैं ये कहूँगा कि ये फ़ोन भी बेकार फ़ोन है। अगली न्यूज़, तो दोस्तों आज की मैं अगली न्यूज़ और आखिरी न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ई कॉमर्स जो ई अपनी जो सारी व्यवस्था है, ई व्यवस्था का मतलब ई वे नहीं, ई का मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, जो हमारे हम खरीदते हैं जानकारी वेबसाइट्स से लेते हैं, ये सारी ई कॉमर्स पे जो वेबसाइट जहाँ पर जितनी हम ख़रीदारी करते हैं, उनको उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि भाई आप जो भी अपना प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट ऐसा है जो आप बेच सकते हैं जो लंबे समय के लिए, जैसे कि मोबाइल है, कैमरा है, घड़ी है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो एडिबल नहीं है, मतलब खाने योग्य नहीं है, उन चीज़ों पर भी आपको MRP लगानी है, और जो खाने वाली चीज़ें हैं उन पर भी MRP लगानी है, लेकिन खाने वाली चीज़ों पर साथ साथ में उन्हें उसके एक्सपायरी डेट भी लगानी है।
तो दोस्तों इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा हमको ये होगा कि हमको MRP से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें इस कंपनी की तरफ से इन्होंने इस फ़ोन का, इस कैमरे का, इस फलाना जो भी चीज़ें उनकी क्या प्राइस रखी है, और ये कंपनीज जो भी हमें Amazon, Flipkart जो भी है, ये हमें कितनी प्राइस पे क्या डिस्काउंट दे रही है। अभी फ़िलहाल ये होता था कि वो क्या करते थे कि अपना डिस्काउंट, अपनी जो भी चीज़ें, भाई हमारा ये ऑफ़र चल रहा है, हमारा ये डिस्काउंट है, आपको ये दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली MRP हमें पता नहीं चल पाती थी। तो अब ये MRP हमें पता चल पाएगी, जिससे हम सबको फ़ायदा भी होगा, हम सबको नॉलेज भी हमारा बढ़ेगा कि भाई हम किस MRP के ज़रिए कितना हमारी बचत हो रही है, कितना हमें घाटा हो रहा है। और दूसरी बात ये भी अच्छी हो जाएगी कि ई कॉमर्स और ये जो जितने भी साइट्स हैं, ये अपने खाने वाली चीज़ों में जो भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो भी खा सकते हैं, जैसे पीने की चीज़ें हुई, खाने की चीज़ें हुई, इन चीज़ों पर अगर वो अपनी एक्सपायरी डेट लगाते हैं, तो इस एक्सपायरी डेट से, जैसे कि हम बाहर जाते हैं, हम दवाइयां ख़रीदते हैं, तो दवाइयों में देखते हैं कि भाई इस एक्सपायरी हमारी कुछ आसपास है क्या। कई बार दवाइयां ऐसी होती हैं जो हम थोड़े दिनों के लिए रखते हैं, वैसी कुछ खाने वाली चीज़ें हम कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, तो हम उनमें उनकी एक्सपायरी देख कर चेक कर सकते हैं कि हमें इसको रखने के लिए इसमें प्रॉपर एक्सपायरी जो डेट, जो डेज़ बचे हैं, वो हमारे पास है कि नहीं। अगर हमारे पास कुछ कम डेज़ बचते हैं, हम उसको ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं, तो हम उसके नेक्स्ट स्टॉक का इंतज़ार कर सकते हैं कि भाई हमारा जब नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट स्टॉक आएगा हमारी इस चीज़ का, तो हम आपसे ले लेंगे, तो तब तक हम इंतज़ार कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को जो दोष देते रहते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे भी काम कर रही है, GST और से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, तो इसी न्यूज़ के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं न्यूज़ जो भी है उसको लेटेस्ट लाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा कि लेटेस्ट से लेटेस्ट मैं न्यूज़ आपको दूँ, और वो भी अथेंटिक। अगर मेरी न्यूज़ थोड़ी लेट आपको मिल रही है, तो ये ध्यान रखिए कि मैं उसके अथेंटिकेशन का, मतलब उसकी पुख्ता होने का इंतज़ार करता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये चैनल आपका ही है, क्योंकि ये चैनल किसी के नाम पर नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ये चैनल किसी के नाम पर नहीं है, ये चैनल है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, ये चैनल एक परिवार है, जिस चैनल में आप भी हैं, जिस चैनल में मैं भी हूँ, इस परिवार का सदस्य बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको आगे बता दीजिए, और इस चैनल को, इस परिवार को YouTube पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली बनाकर उभार दीजिए दोस्तों, जिसके लिए मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों आपके लिए मैं इस तरह से नए नए वीडियोस और जो भी जानकारी लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा, तो आप इसको, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।